नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांधुर्ना में कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश उइके ने नामांकन जमा किया। पांधुर्ना विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दर्ज कराने का सिलसिला जारी हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैलियां निकाल कर अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं, जिसमें शुक्रवार को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक नीलेश उइके द्वारा नगर की आराध्य भवानी माता मंदिर सावरगांव से पूजा अर्चना कर विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया, जिसमें जिले के सांसद नकुलनाथ की उपस्थिति में पांडुर्ना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा अधिकृत प्रत्याशी नीलेश उइके की नामांकन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से चलकर पांडुर्ना निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, महापौर विक्रम आहाके, पूर्व विधायक जतन उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वास कॉम्बे द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ के वचन पत्र पर प्रकाश डाला। प्रमुख रूप से कांग्रेस महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता तुमराम, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल, पांडुर्ना विधानसभा प्रभारी गोविंद राय, रामकृष्ण माटे, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जयंत घोड़े, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शारदा धुमाल एवं सभी कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक पदाधिकारियों नेता कार्यकर्ता के साथ ग्रामीण क्षेत्र से नामांकन रैली में शामिल हुए। पांडुर्ना संवाददाता मनोज गुद्धे की रिपोर्ट।